नमस्कार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में आपका स्वागत है। 11 अक्टूबर 2017 आज नानाजी देशमुख का जन्मदिवस है। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का भी जन्मदिन है। IARI पूसा का ये मेन हॉल आज साक्षी बन रहा है नानाजी देशमुख जन्म शताब्दी समारोह का। विशाल संख्या में लोग यहां उपस्थित हैं, जिनमें शामिल हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी, देश भर के विभिन्न राज्यों से आए लोग, पंचायतों एवं ग्रामीण अंचलों से आए विकास के भागीदार। और अब से कुछ ही देर में इन्हें संबोधित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पद्मभूषण पद्म विभूषण से सम्मानित नानाजी देशमुख और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ही महापुरुष का जन्मदिवस आज है। इस उपलक्ष में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा में इस कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर ग्रामीण विकास की झलक हमें देखने को मिलेगी। बात चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हो, जिनका लाभ जन जन तक पहुंचा है, प्रधानमंत्री आवास योजना की हो, जिनसे यहां आए लोग भी जुड़े हैं, मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न तरह के एसेट्स निर्माण की हो, उन एसेट्स की जियो टैगिंग करके उनकी निगरानी की बात हो, कैसे ग्रामीण प्रगति में टेक्नोलॉजी का योगदान रहा है, यहां आए लोग एक दूसरे से अपने विचार भी साझा जरूर करेंगे। न केवल माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे, उससे पहले वह साथ ही एग्जीबिशन हॉल में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। नानाजी देशमुख, जिनकी आज जयंती है, समाज सेवी थे। वह ग्राम उदय के पुरोधा थे। उनका मानना था, मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूं। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित हैं। देश भर से आए ये लोग, इन्होंने सपना देखा है, सपना सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का। और राष्ट्र कृषि नानाजी, समाजशास्त्री नानाजी, अर्थशास्त्री नानाजी देशमुख, शिक्षाविद नानाजी देशमुख का मानना था कि यदि इन सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक लाभ पहुंचाना है तो बहुत जरूरी है कि देश के गांव प्रगति करें। नानाजी देशमुख मानते थे कि गांव स्वावलंबी बने, व्यक्ति स्वावलंबी बने, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो स्थानीय संपदा है उसका बेहतर इस्तेमाल हो। आज नानाजी देशमुख का जन्मदिवस है और ये जन्म शताब्दी समारोह एक अवसर है हम सभी के लिए इस बात पर बल देने का कि भारतीय जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा गांवों में बसता है। तो हम नानाजी के विचार को जरूर पढ़ें,
समझें, उनके जन्मदिवस पर मानवता का संकल्प लें। भारत में एक वैचारिक आंदोलन लेकर आए नानाजी देशमुख। उन्होंने फैसला किया था कि 60 साल की उम्र के बाद वे राजनीति छोड़कर पूर्ण रूप से समाज सेवा में लग जाएंगे और 93 वर्ष की आयु तक उन्होंने समाज की सेवा की, ग्राम उदय के प्रति संपूर्ण समर्पण दिखाया। और यह है वो प्रदर्शनी देश भर के विभिन्न मॉडल्स इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगे, जिसकी थीम है टेक्नोलॉजी एंड रूरल लाइफ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह एग्जीबिशन, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी भाग ले रहे हैं। ये मॉडल्स बहुत आकर्षक हैं, चाहे वो जियो मनरेगा तमिलनाडु का ये मॉडल हो, जहां पर आप ये सैटेलाइट देख सकते हैं, किस तरह से सैटेलाइट से मनरेगा में बने एसेट्स को टैग किया जाता है। एक वक्त था कि कई बार सुर्खियां बनती थी कि किसी गांव में एक एसेट बना लेकिन सिर्फ कागज पर, लेकिन अब सरकारी पैसों से क्या वाकई ही वो बिल्डिंग बनी, ये मोबाइल के जरिए जन जन जान सकता है। जन मनरेगा, इसके अंतर्गत उस एसेट के पूरे डिटेल्स आपके मोबाइल पर उपलब्ध हैं। ये मॉडल बेहद आकर्षक, ले लद्दाख का मॉडल, सफेद बर्फ ग्लेशियर की, -50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, लेकिन वहां पर भी ड्रेन पाइप्स बनाई गई हैं और ये जो स्टेट मॉनिटरिंग सेल है वो सीधा संपर्क रखता है सैटेलाइट से। मनरेगा ग्रामीण हाट, शिक्षा की पाठशाला, नानाजी देशमुख एक शिक्षाविद भी थे, शिक्षा पर बहुत बल देते थे नानाजी, और ना केवल किताबी शिक्षा बल्कि वो शिक्षा जो संस्कारों से जोड़े। सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को दिया है। अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पधारेंगे। IARI पूसा का भी एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। इसकी शुरुआत इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से पूसा बिहार में 1905 में हुई, और जब 1934 में बिहार में भूकंप आया तो तत्कालीन सरकार ने यह फैसला किया कि एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसके वर्तमान लोकेशन यानी नई दिल्ली में बनाया जाए। लेकिन हर्ष की बात यह है कि जहां आजादी से पहले तकरीबन 4 दशकों में और आजादी के बाद 7 दशकों में देश के पास एक कृषि अनुसंधान संस्थान था, वहीं पिछले 3 सालों में 2 और IARI की स्थापना का निर्णय लिया गया है। हजारीबाग झारखंड में दूसरे IARI का निर्माण चल रहा है और तीसरे IARI का शिलान्यास असम में हुआ। गोगामुख जिला लखीमपुर खीरी में उद्देश्य है कि जन जन विकास से जुड़े। भारत एक कृषि प्रधान देश है, बहुत से राज्यों की आर्थिक व्यवस्था भी कृषि पर ही निर्भर रहती है। राष्ट्र कृषि थे नानाजी देशमुख, और ये जो किसान यहां पर
बहुतायत संख्या में मौजूद हैं आज। इनके लिए अक्टूबर का महीना तो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी महीने में अधिकतर खरीफ फसलों की कटाई का कार्य आरंभ होता है। खरीफ फसलें जैसे मक्का, बाजरा, चावल, इन सब की कटाई होती है और फिर इनका सुरक्षित भंडारण भी बहुत जरूरी है। वहीं ये महीना रबी फसलों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रबी फसलें जैसे कि गेहूं, सर्दियों की सब्जियां, इन सब की बुआई के लिए तैयारी का काम शुरू हो जाता है। रबी का मौसम कई प्रकार से महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अनाज वाली फसलों के साथ साथ तिलहन व दलहनी फसलों के लिए यह प्रमुख समय रहता है। और फिर अक्टूबर के महीने में सामान्य तौर पर मानसून पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। आज सुबह हमें बहुत से किसानों से बातचीत का मौका मिला। दूर दराज इलाकों के जिलों से लोग आए, सरपंच शामिल हैं, पंचायत के लोग यहां पर शामिल हैं। वह अपने अनुभव बांट रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हर खेत को सड़क से जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कैसे उनके गांव में कुटीर बना, उनका घर बना और उनके सपने पूरे हो रहे हैं। नए भारत का संकल्प जन जन ने किया है और यह आह्वान किया है देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। माननीय प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कि जन जन संकल्प ले कि वह देश निर्माण में योगदान देगा और फिर 2022 जब आएगा और नए भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने की है तो संकल्प से सिद्धि भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में, माननीय प्रधानमंत्री एग्जीबिशन हॉल में आते हुए यहां पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री विभिन्न स्टॉल्स को देखेंगे, किस तरह से तकनीक का असर ग्रामीण जीवन पर पड़ रहा है ये देखकर वाकई ही उन्हें हर्ष होगा और उन्हें स्टॉल्स पर रखे मॉडल्स और प्रगति के बारे बताते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ, साथ ही सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय अमरजीत जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते माननीय प्रधानमंत्री, रामकृपाल यादव जी भी हमें साथ नजर आ रहे हैं, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। इस एग्जीबिशन हॉल में ये मॉडल, जियो टैगिंग का ये मॉडल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि 60 के दशक में इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, और पिछले 5 दशकों में भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति की है। लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अब जो भी डेटाबेस बना है, जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से सूचना हमारे पास आई है, उसका प्रयोग जन जन कल्याण के लिए हो। आवास का आपने आगरा में भी देखा था, इसके बाद की
लकड़ी भी अपने घर की होती है, जैसे क्षेत्र में भूमि की समस्या का राज्य सरकारों ने भी जमीन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में एग्जीबिशन हॉल में विभिन्न स्टॉल्स का जायजा लेते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे टेक्नोलॉजी प्रगति में हमारी मदद कर सकती है, अंत्योदय का जो सपना है कि विकास के पथ पर खड़ा अंतिम व्यक्ति उस तक किस तरह लाभ पहुंचाया जाए, विभिन्न राज्यों के सफल मॉडल क्या हैं, कैसे बाकी राज्य एक दूसरे से सीख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत ने सपना देखा है कि जब 2022 आएगा और राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेगा तब हर घर परिवार के पास अपना एक घर होगा। इस समय ये अलग अलग तरीके के ईंट के स्ट्रक्चर्स माननीय प्रधानमंत्री देखते हुए, इसमें सॉलिड ब्रिक वॉल का कॉन्सेप्ट है, रेड ट्रैप बॉल का कॉन्सेप्ट है, फ्लाई बैश ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, थर्मल पावर प्लांट का एक पॉल्यूटेंट है फ्लाई ऐश। और यहाँ पर अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते हुए कि किस तरह से इस पॉल्यूटेंट का इको फ्रेंडली तरीके से इस्तेमाल हो सकता है फ्लाई ऐश ब्लॉक बनाकर, इससे लागत भी कम होगी और क्वालिटी भी बनी रहेगी। साथ ही नीचे जो स्ट्रक्चर माननीय प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं वो रैम्ड अर्थ है, इसमें 2% लाइम 7.5% सीमेंट, कैसे आसानी से बेनिफिशियरी खुद इसे मिक्स कर सकता है, और यदि वह इसे बनाता है आसानी से खुद बना लेता है तो उसका लेबर चार्ज भी बचता है, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक आकर्षक स्ट्रक्चर है। और जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री का आदर्श वाक्य जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी जो चीज बने उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, जीरो डिफेक्ट। और जब प्रधानमंत्री जीरो इफेक्ट की बात करते हैं यानी उस वस्तु का पर्यावरण पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। और पूरी उत्सुकता और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री यहां पर मॉडल्स को देखते हुए, नानाजी देशमुख कहते थे कि अगर ग्राम उदय होना है तो जो लोकल संपदा है गांव की उसका ही इस्तेमाल करें। एक वाक्य जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही साझा किया था कि एक बार नानाजी देशमुख ने कहा कि कुएं में हम लोहे का पाइप ही क्यों डालते हैं, पानी निकालने के लिए बैम्बू की पाइप क्यों नहीं हो सकती। और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्टॉल में एक बैम्बू का स्ट्रक्चर भी दिखाया जाए कि कैसे, खासतौर पे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर बैम्बू आसानी से उपलब्ध है, किफ़ायती भी है, और अगर स्थानीय क्षेत्र की संपदा ही स्थानीय लोग अपना लें तो उनके गांव में सामाजिक आर्थिक सक्षमता आ सकती है।
और इसी ज्ञान उदय के पुरोधा थे नानाजी देशमुख, जिनकी आज जयंती है। इसी तरह से लोकल की हेल्प कैसे कर सकता है, इसका उदाहरण सोलर इकोसिस्टम बाय लोकल फॉर लोकल भी है। एज द नेम सजेस्ट, SELL, सोलर इकोसिस्टम बाय लोकल फॉर लोकल। इट एम्स टू लोकलाइज द प्रोसेस ऑफ असेंबली, डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स इन रूरल इंडिया। The solar module manufacturing plant, which has been owned and operated by local tribal women of Dungarpur, is an incredible example of women empowerment and make in India. Solar entrepreneurs yahan par maujood hain, bahut se yuva udyami yahan par maujood hain, aur Nanaji Deshmukh kehte the ki udyamita ko hame badhava dena hoga, krishi udyog ko badhava dena hoga. Ye models jahan par hum कैटल शेल्टर, गोट शेल्टर देख रहे थे, और साथ ही वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो चाहे वेजिटेबल क्रॉप्स फॉर कंटेनर गार्डनिंग की बात हो, उसकी क्या विधि रहती है, कैसे हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को उगाने की दिशा में आगे बढ़ें, किस तरह के प्राकृतिक रंग सब्जियों में पाए जा सकते हैं, इन सभी विषयों को यहां स्टॉल्स पर दिखाया गया है। सौर ऊर्जा के बहुत बड़े पक्षधर हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हर घर तक बिजली पहुंचाने में सौर ऊर्जा हमारी मदद कर सकती है। यहां पर जो डेमोंस्ट्रेशन दी गई है सोलर एंटरप्रेन्योर्स द्वारा, वो काफी लोगों को आकर्षित करेगी। IARI पूसा के इस एग्जीबिशन हॉल का दौरा लगाते माननीय प्रधानमंत्री, टेक्नोलॉजी जेनरेशन, टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन, एक्सटेंशन और फिर उसका अडॉप्शन, ये एक व्यवस्थित ढंग से कैसे हो, तकनीक मानव कल्याण के लिए कैसे काम में आए, ये उद्देश्य है टेक्नोलॉजी और रूरल लाइफ इस प्रदर्शनी का। गांव स्वावलंबी बने, स्थानीय क्षेत्रों से बने, उसे से हर घर परिवार में सामाजिक आर्थिक संपन्नता आए, व्यवस्थित ढंग से इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें, इस दिशा में बढ़ते कदम भारत के। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या अन्य भारत सरकार की स्कीम्स, इनके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए ई गवर्नेंस मॉडल को अपनाया जा रहा है। आवास सॉफ्ट, आवास ऐप, इससे मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री दिशा पोर्टल और ग्राम संवाद का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए
तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो मेरी सड़क ऐप बहुत लोकप्रिय हुआ है। यह जन भागीदारी का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, वैल्यू चेन आधारित वनोपज आजीविका, एक पूरी सप्लाई चेन किस तरह से विकसित हो, किस तरह से वह आजीविका का साधन बने, फिर चाहे उर्वरक प्रबंधन की बात हो, खरपतवार प्रबंधन की बात हो, संसाधन संरक्षण की बात हो, उन्नत कृषि यंत्र कैसे लगाएं, कृषि उत्पादन में गुणवत्ता कैसे बढ़े, जैव उत्पादों द्वारा हानिकारक कीटों का नियंत्रण, इन तमाम विविध विषयों पर ये स्टॉल्स हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि क्षेत्र में शोध और शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित है और IARI परिसर में आयोजित यह एग्जीबिशन हॉल। IARI के अंतर्गत जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट द्वारा यहां पर एक स्टॉल में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया का मुजाहरा भी किया गया है। कैसे उनके इंक्यूबेशन सेंटर में एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर इंक्यूबेट किए जा सकते हैं, ये वहाँ दर्शाया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा ही बल देते आए हैं कि आज का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के भी बहुत से अवसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बहुत ही बारीकी से चीजों को समझना, मानव कल्याण के लिए तकनीक को प्रयोग में लाना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर खास तौर पर बल देना, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए सुनिश्चित करना कि सफल मॉडल्स का प्रचार प्रसार हो, और माननीय प्रधानमंत्री के साथ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्रामीण विकास की झलक IARI पूसा के एग्जीबिशन हॉल में हम देख सकते हैं। सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय अमरजीत जी वहां पर माननीय प्रधानमंत्री को मॉडल की बारीकियों से परिचित कराते हुए।
लघु वन उत्पाद, इन उत्पादों को बाजार से कैसे जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी इसमें सहायक हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा एक रूप बाजार बनाने की कोशिश की है ताकि जो उत्पाद हो उसे आसानी से बाजार मिल सके। किचन गार्डन मॉडल हो, वर्मी लैंड हो, कंपोस्ट पिट हो, ड्रिप मल्चिंग का मॉडल हो कि कैसे इवेपोरेशन कम हो, इन तमाम मॉडल्स का मुजाहिरा माननीय प्रधानमंत्री लेते हुए उसे बारीकी से समझते हुए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्यों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में रहकर अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है और इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP इसकी स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन हॉल में, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसके अंतर्गत सोशल पेंशन देने का प्रावधान है और ये सोशल पेंशन 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध लोगों को मिलती है, 40 साल से ऊपर विधवा महिलाओं को और साथ ही 18 साल से ऊपर के दिव्यांगजनों को। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मॉडल यहाँ दिखाया गया वो वाकई ही बहुत आकर्षक था कि किस तरह से पहाड़ों में स्लोप बनाने में जूट का इस्तेमाल किया जाता है। जियो टेक्सटाइल जूट स्लोप प्रोटेक्शन के काम आता है और फिर उसी पहाड़ी में वेजिटेशन भी कर सकते हैं। कैसे डामर की सड़क बनाई जाती है, गांवों को सड़कों से जोड़ा जाता है और फिर जब गांव के अंदर जाएं तो सीमेंट की रोड भी बनाई जाती है और कहीं किसी भी ग्रामवासी को कोई शिकायत हो, कोई प्रतिक्रिया देनी हो तो मेरी सड़क ऐप के माध्यम से वह सीधा सरकार से जुड़ सकता है। संवाद बना रहे सरकार और जनता के बीच, इसका लगातार प्रयास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। तकनीक से बदलते विकास का स्वरूप विभिन्न स्टॉल्स में हमने देखा और पूरे एग्जीबिशन हॉल में स्वच्छता देखते ही बनती है, स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से भी गांवों में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नानाजी देशमुख जन शताब्दी समारोह के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एग्जीबिशन हॉल का जायजा लेते हुए, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, लेह लद्दाख का दूर इलाका हो, दक्षिण भारत हो, भारत के विभिन्न राज्यों के आकर्षक मॉडल्स जो हमें ग्रामीण भारत में होती प्रगति और वहां के विकास की झलक देते हैं।
परिधानों की अगर बात करें तो कुकून से फैब्रिक तक की यात्रा भी यहाँ पर दिखाई गई है। टसर सिल्क कैसे बनता है, टसर बीज उत्पादन एवं रेशम कीट पालन। एक बीजागार भवन को यहाँ दिखाया गया है, उसमें फूंकी कुकून कैसे अपना रूप बदलता है। ये स्टॉल देखकर एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से ग्रामवासी अपना कार्य कर रहे हैं, क्या जीवन शैली उनकी रहती है, किस तरह के कार्य वहां पर हो सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की बात करें तो उसके अंतर्गत कैसे, चाहे फर्श की क्लीनिंग मशीन की बात हो, सोफा क्लीन करने की बात हो, पोस्ट बेड सिंगल नीडल लॉक स्टिक मशीन की बात हो, उसके इस्तेमाल से वहां पर कार्य हो रहे हैं, रोजगार सृजन हो रहा है। और अब एग्जीबिशन हॉल से बाहर निकलते माननीय प्रधानमंत्री मेन हॉल की ओर जाएंगे, जहां पर देश भर से किसान, पंचायत के सदस्य, सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, अन्य योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित हैं और उन्हें संबोधित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। ये देखिए किस तरह से पशु आश्रम बनाया है, पशुपालन पे जोर है, एक शेड का निर्माण यहाँ किया है, उसके साथ खेती कर रहे हैं, बागवानी का भी प्रावधान है। लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि चाहे फलों की बात हो, सब्जियों की बात हो, पौधों की बात हो, तो इन पर भी जलवायु का असर पड़ता है। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का असर मानव पे पड़ता है, वैसे ही पौधों पर भी। और मानव स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए हमारे पास MRI, CT स्कैन जैसी तकनीक उपलब्ध हैं। उसी के समान फिनोमिक्स में भी पौधों को क्षति ना पहुंचे और लगभग वास्तविक समय में बिना पौधों को क्षति पहुंचाए सेंसर्स एवं उन्नत प्रतिबिंब देने वाले कार्यक्रम का उपयोग हो। इस दिशा में आज बहुत बड़ी पहल, नानाजी देशमुख प्लांट फिनोमिक्स केंद्र, जिसका उद्घाटन आज इसी समारोह में माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी और विश्व के सार्वजनिक निधि प्राप्त संस्थानों की सर्वोत्तम सुविधाओं में से एक होगी। जलवायु अनुकूल फसल किसमें कैसे विकसित करें, फसल सुधार एवं प्रबंधन में ये कैसे सहायता करेगा, इस दिशा में प्लांट फिनोमिक्स केंद्र का उद्घाटन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री, और उद्घाटन के बाद इस फिनोमिक्स केंद्र का जायजा भी लेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का ये मेन हॉल, जिसमें देश भर से आए किसान, ग्राम पंचायत के लोग, ग्रामवासी, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी उत्साहित हैं कि उनके लोकप्रिय प्रधानमंत्री अब उन्हें कुछ ही देर में संबोधित करेंगे। मंच पर आसीन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी, जिनसे आज सुबह जब बातचीत हुई तो उन्हें काफ़ी हर्ष था कि आज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिसर में नानाजी देशमुख प्लांट फिनोमिक्स केंद्र का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। हाथ हिलाकर अपना उत्साह दिखाते उपस्थित अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस मेन हॉल में पधारेंगे।
और यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का IARI पूसा के इस मेन हॉल में आगमन। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया त्याग तपस्या परिश्रम की प्रतिमूर्ति नानाजी देशमुख तथा कार्यज्येष्ठ स्वतंत्रता सैनिक तथा जनक्रांति के वाहक लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि अर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को पुष्पांजलि अर्पित करें उनकी तस्वीर में। करुणामय, भेदभाव से रहित, गांव के दबे पिछड़े लोगों के विकास को प्रतिबद्ध महान सामाजिक निर्माता श्री नानाजी देशमुख की दूरदृष्टि सोच ने गांव विकास को एक नया आयाम दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज इस मौके पर हम जन्म शताब्दी भी मना रहे हैं नाना जी की। जेपी के नाम से मशहूर लोकप्रिय श्री जयप्रकाश नारायण घर घर क्रांति का पर्याय बन गए थे। सत्याग्रह के रास्ते जनता का एक बहुत बड़ा संगठन करने वाले जयप्रकाश नारायण की आज जन्म जयंती है। कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। दोनों ही महान विभूतियों को देशवासियों का शत शत प्रणाम। मंच पर हार्दिक स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय ग्रामीण विकास पंचायती राज तथा इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय श्री रामकृपाल यादव तथा माननीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला का मंच पर उपस्थित हैं। श्री वीरेंद्रजीत सिंह, चेयरमैन दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और अब हमारा आग्रह है ग्रामीण विकास पंचायती राज इस्पात खान मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। आज इस विशाल ग्रामीण समागम को संबोधित करने के लिए, हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, कृषि एवं पंचायती राज मंत्री आदरणीय रूपाला साहब, ग्रामीण विकास के राज्य मंत्री आदरणीय रामकृपाल सिंह जी और दीनदयाल शोध संस्थान के चेयरमैन माननीय श्री वीरेंद्र जी, इस सभागार में उपस्थित ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले सभी विद्वज्जन और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए देश भर से पंचायती राज क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, आजीविका के क्षेत्र में काम करने वाली हमारी बहनें और अन्य उपस्थित महानुभाव, आज यह मेरा परम सौभाग्य है कि नाना जी की जन्म शताब्दी के समारोह का अवसर है और इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्र के शिल्पी भी उपस्थित हैं और ग्रामीण क्षेत्र की चिंता करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं उपस्थित जन समूह की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज नानाजी देशमुख का जन्मदिन है। नानाजी देशमुख ग्रामोत्थान के लिए समर्पित रहे, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही प्रेरणास्पद रहा। जब सार्वजनिक जीवन में उन्होंने काम किया, राजनीति में काम किया, तो भी वे प्रेरणा के केंद्र थे, और जब राजनीति से संन्यास लेकर ग्राम विकास की दृष्टि से जब वो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए गए, तो आज उनके समर्पण के जीवंत उदाहरण चित्रकूट, बीड और गोंडा जैसी परियोजनाएं हम सब लोगों को दिखाई देती हैं। आज बाबू जयप्रकाश नारायण जी का भी जन्मदिन है। देश इस बात का साक्षी है कि जब देश में भ्रष्टाचार चरम पर था, तो बाबू जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में युवाओं का एक बड़ा आंदोलन हुआ, और उस समय यह कहा जाता था कि अगर लोकतंत्र की रक्षा हुई है तो उसमें बाबू जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व का बहुत बड़ी भूमिका है। आज ऐसे दोनों महापुरुषों का जन्मदिन है। मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से माननीय नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमको, हमारी सरकार को उनके पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करे, जिससे आने वाले कल में यह भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में निर्माण करने में हम सब लोग सहकार कर सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी, नानाजी देशमुख की जन्म शताब्दी के समारोह के इस समारोह को करने का अवसर आपने हमको प्रदान किया, इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय निश्चित रूप से आपका बहुत आभारी है। जब से आपने काम सरकार में संभाला है, तब से लगातार ग्रामीण क्षेत्र में गांव के विकास, गरीब के विकास, किसान की उन्नति, इसके लिए काम किए जा रहे हैं। मुझे ध्यान है जब 13वां वित्त आयोग था, उस समय 60,000 करोड़ रुपया पंचायतों को 5 वर्षों में मिलता था। यह आपका ही यशस्वी नेतृत्व था जिसने यह तय किया कि 14वें वित्त आयोग का 2,292,000 करोड़ रुपया ग्राम पंचायतों को विकास के लिए मिलेगा। मैं समझता हूँ ग्राम पंचायतों के जीवन में यह बहुत बड़ा निर्णय आपका है, जिसके कारण पूरे देश में अधोसंरचना विकसित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में एक समय था जब 50,000 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च करती थी। आज आपका ही यशस्वी नेतृत्व है जिसने ये निर्णय लिया कि ग्राम आगे बढ़ेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा। ग्राम की बुनियाद को मजबूत करना है तो देश की बुनियाद मजबूत होगी। जो 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज हम 1,05,000 करोड़ रुपया गांव के विकास पर खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये गांव के जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय आपका है, और इससे बदलाव आ रहा है। PMJSY आवास योजना जैसी योजनाएं जिनका लक्ष्य आपने निर्धारित किया, मुझे पहले भी विपक्ष में और राज्य सरकार में मंत्री रहने का अवसर मिला। मैं जानता हूं कि उस समय हम सोचते थे कि कभी कोई दिन आएगा जब इस देश में ये कहा जा सकेगा कि अब हमारे देश में कोई आवासहीन नहीं है, लेकिन उस समय हमारी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन आप ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही यह प्रतिज्ञा की थी कि आपकी सरकार गांव और गरीब के लिए समर्पित रहेगी, और इस कारण आपने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, आपने PMJSY योजना के लक्ष्य निर्धारित किए, आजीविका को प्रोत्साहित करने का काम किया, कौशल उन्नयन की दृष्टि से अनेक कार्यक्रमों का सृजन आपके नेतृत्व में हुआ। उसी का परिणाम है कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका योजना के माध्यम से अगर 5 लाख बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है तो 2,52,000 बच्चों को रोजगार मिल जाता है, और अच्छी पगार उनको मिलने का काम इस देश में होता है। RCT के माध्यम से अगर 9 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, बैंकों की भागीदारी के साथ
तो उसमें 5 लाख लोग अपना स्वरोजगार स्थापित करने में सफल होते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे, एकांगी विचार से काम नहीं चलेगा, समग्र विकास और समुच्च विकास की कल्पना को साकार करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ आपके नेतृत्व में भारत की धरती पर आज वह दिन आ गया है जब ग्रामीण अधोसंरचना के प्रयास हो रहे हैं, जब ग्रामीण में कौशल उन्नयन के प्रयास हो रहे हैं, गाँव के गरीब आदमी को घर उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है, हर घर में शौचालय हो, हर घर में पीने का पानी हो, हर घर में रोशनी हो और हर घर का व्यक्ति आजीविका से जुड़े, यह समुच्च विचार जब गांव का हुआ तो आज हम ये कहने की स्थिति में है कि आने वाले कल में आपकी योजनाओं के माध्यम से, आपकी दूरदृष्टि के माध्यम से, आपके नेतृत्व में और आपके मार्गदर्शन में मिशन अंत्योदय के माध्यम से आने वाले कल में देश की 50,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का जो संकल्प है, उस संकल्प को निश्चित रूप से हम पूरा करने में सफल होंगे। आज मैं इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम की आयोजना और कल 10 अक्टूबर को देश भर के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान और विशेषज्ञ उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम की आयोजना में दीनदयाल शोध संस्थान और रामबाबू महालगी प्रबोधिनी, इन दोनों संगठनों का बहुत योगदान रहा है। मैं मंत्रालय की ओर से उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और पुनः आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को जोरदार तालियों के साथ प्रधानमंत्री जी का आह्वान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद माननीय। मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, इस ध्येय वाक्य पर चलते हुए समर्पित समाज सेवी नानाजी देशमुख ने कई गांवों की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल डाली। उनके द्वारा चलाई गई परियोजनाओं का पावन उद्देश्य था हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। आइए देखते हैं ये फिल्म। गांव खुशहाल है, चेहरों पे मुस्कान है, तरक्की के बीज बो रहा है, मेरा भारत विकसित हो रहा है। कुछ ऐसे ही ग्रामीण विकास की विचारधारा के निर्माता थे पद्म विभूषण श्री चंडिका दास अमृत राव देशमुख, जिन्हें सारा देश आज भी नानाजी देशमुख के नाम से जानता है। नानाजी देशमुख का जन्म 11 अक्टूबर सन 1916 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कडोली में हुआ। उनका बचपन कठिनाई और गरीबी में बीता। शुरू से ही नानाजी एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और उन्होंने अपनी उच्चतर शिक्षा पिलानी जिला कॉलेज राजस्थान से पूरी की। लेकिन नानाजी का जीवन लक्ष्य शिक्षा नहीं था, वे तो अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करना चाहते थे। इसी चाह ने उनके जीवन का रुख समाज सेवा और राजनीति की ओर मोड़ दिया। वे जनसंघ का महत्वपूर्ण हिस्सा बने और एक सफल राजनीतिक जीवन व्यतीत किया। 1968 में उन्होंने अपने घनिष्ठ मित्र और प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना की प्रयोगशाला के तौर पर दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। आज ये देश के उच्चतम शोध संस्थानों में से एक है, जिसकी परियोजनाएं दिल्ली, गोंडा, चित्रकूट, बलरामपुर और महाराष्ट्र में फैली हुई हैं। दीनदयाल शोध संस्थान ने महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन के अनुसार गांव-गांव में प्रत्येक आबादी को स्वावलंबी और स्वाभिमानी और कर्तृत्ववान बनाने का प्रयास किया। ईश्वर कृपा से इन प्रयासों को व्यावहारिक धरातल पर सफलता मिल रही है। नाना जी का मानना था कि समाज की असली सेवा सिर्फ समाज के बीच रहकर की जा सकती है। इसीलिए सन 1978 में नाना जी ने राजनीति से निवृत्ति ले ली और अपना सारा ध्यान समाज सेवा पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शिक्षा, कृषि कल्याण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संतुलन, ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पशुधन कल्याण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जैसे स्वरूपों में बहुसंख्यक योगदान दिए।
अपने मित्र जयप्रकाश नारायण और उनकी पत्नी प्रभावती देवी के नाम पर नानाजी ने 54 एकड़ क्षेत्रफल का एक विशाल परिसर बनाया, जय प्रभाग्राम। यहाँ उन्होंने हर खेत को पानी, हर हाथ को काम का नारा देकर भारतीय ग्रामीण जीवन के विकास की नींव रखी। हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी। गोंडा में गोंडा ग्रामोदय योजना के तहत नानाजी ने अनगिनत योजनाएं व संस्थाएं स्थापित की, जिनका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना और आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को मिटाना, जो उन्होंने सफलतापूर्वक कर दिखाया। बीद ग्रामोदय परियोजना के अंतर्गत नानाजी ने ग्रामीण वासियों को जल संरक्षण और वृक्षारोपण के नए तरीकों से परिचय करवाया। गोंडा और बीद में हजारों जिंदगियों को बदलने के पश्चात नानाजी सन 1990 में भगवान राम की कर्मभूमि चित्रकूट में जाकर बस गए। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय यहीं बीता। चित्रकूट में बसा देश का पहला ग्रामोदय विश्वविद्यालय नानाजी से ही प्रेरणा लेकर स्थापित हुआ और वे इसके पहले कुलाधिपति बने। ये चित्रकूट की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम था। इससे ग्राम के युवकों को उच्च स्तर की शिक्षा गांव में ही रहकर प्राप्त करने का अवसर मिला। स्वावलंबन अभियान के तहत 500 गांवों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिनसे चित्रकूट के आसपास के हजारों ग्राम निवासियों की जिंदगी में विकास की लहर छा गई। स्वावलंबन अभियान के तहत समाज शिल्पी दंपत्ति प्लस गांव के लोगों ने मिलकर जो भी प्रयोग किया, उसके सफल प्रयोगों को देश भर में और देश से बाहर भी प्रतिपादित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। चित्रकूट में नानाजी ने विभिन्न क्षेत्रों की उन्नति के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की। आज चित्रकूट पूरी तरह से आत्मनिर्भर जिला है और पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत उदाहरण है। नानाजी के रचनात्मक अवदानों को देखते नानाजी को 1999 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए नामित किया। साथ ही साथ 1999 में नानाजी को पद्म विभूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। आई मेट श्री नाना देशमुख अबाउट एज 90 एंड ही स्टिल रिमेंबर्स बिलोंगिंग टू दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन developing, implementing a village development model which is most suited for India. DRI understand that people's power is more potent and stable and enduring than political power. By becoming one with the oppressed and depressed, one gains the acumen of the administration and governance. A social advancement and prosperity are possible only by injecting the spirit of self-reliance, excellence in younger generation. 27 फरवरी 2010 को नानाजी महाप्रयाण कर गए, परंतु उनके सिद्धांत आज भी समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित और उपेक्षित। ऐसे निस्वार्थ महापुरुष को हमारा शत शत नमन। नानाजी देशमुख का जीवन दर्शन चरितार्थ हो, गांव सुखी स्वस्थ और स्वच्छ रहे, नई नई टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन से हर घर आंगन समृद्धि के दिए जले। कल राष्ट्रीय स्तर के कंसल्टेशंस में दिन भर जो विचार मंथन हुआ, उसकी रेकमेंडेशंस पर आइए एक फिल्म के द्वारा नजर डालते हैं।
नया भारत बनाना है तो सबसे पहले गांव को गरीबी से मुक्त करना पड़ेगा, और इसलिए आज नानाजी देशमुख को स्मरण करते हुए हम लोग इस कार्यक्रम के आयोजन किए हैं। देशमुख की जन्म शताब्दी समारोह पे ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। एक बहुत अच्छा पहल है और मैं कहूँगा कि ये हमेशा होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कर रही है नानाजी देशमुख की जयंती पे जो काम हो रहा है, एक बहुत ही प्रेरणादायक काम है। अब मुझे लगता है ये 2022 तक ये सरकार संभव कर पाएगी है। ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था जिसमें ब्रेकआउट सेशंस किए गए 5 डिफरेंट विषयों को लेके, तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम जरूर अपना 2022 तक जो किसानों की इनकम डबल करने का जो हमारा मिशन है वो ज़रूर पूरा हो सकता है। जो रिकमेंडेशन सामने आए हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देश के सबसे गरीब को मिलकर ये मिशन अंत्योदय जरूर सक्सेसफुल होगा। मुझे उम्मीद है जिस निष्ठा से हमारे नानाजी देशमुख ने किया और आज के सरकार जिस निष्ठा से कर रहे हैं उसके तरफ जा रहे, मुझे लगता है कि 2022 में कुछ परसेंटेज या हाई परसेंटेज पॉवर्टी एलिविएशन हो सकता है। पहला मुद्दा ये था कि ये सब काम जब कर पाएंगे जब ग्राम सभा को एम्पावर करेंगे, तो एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभा थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ PRIs एंड कम्युनिटी अराउंड NRM perspectives, ये इससे शुरुआत करनी होगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द recommendations ऑफ द ग्रुप वेयर दैट फर्स्टली अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस हैज टू बी अडॉप्टेड, पुअर इज नॉट अ बेनिफिशियरी, पुअर इज अ स्टेक होल्डर। द पुअर पीपल हैव टू बी इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग प्रोसेस, इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। द एंटायर रूरल डेवलपमेंट हैज टू बी कम्युनिटी मैनेज्ड, कम्युनिटी ड्रिवन, कम्युनिटी कंट्रोल्ड। हम लोग बॉटम ऑफ द पिरामिड हमेशा कहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट होगा बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए। ये बॉटम ऑफ द पिरामिड फ्रेंस को चेंज कर दिया जाए और उसको फाउंडेशन ऑफ द पिरामिड अगर कहा जाए तो विल सी स्किल डेवलपमेंट इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वी नीड टू टॉक द लैंग्वेज ऑफ ए 8th क्लास स्कूल ड्रॉप आउट चाइल्ड। जिस दिन हर वेबसाइट की कहानी, हर वेबसाइट की जो एक भी पिक्चर हो, हर वेबसाइट की कोई भी बात हो, वो जिस दिन एक 8th क्लास की बच्ची को समझ में आ जाए उस दिन हमें स्किल डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी देने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये जो है टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, कंटेंट की बात है। बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन पे हमारे ग्रुप ने बहुत जोर दिया था। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी लोगों की, जब तक किसान का बेटा किसानी करना नहीं चाहेगा, तब तक खेती का उद्धार नहीं होगा। जाएंगे टेक्नोलॉजी से जुड़कर राष्ट्र विकास से जुड़ जाएंगे। डैशबोर्ड दिशा से मिलेगी सही दिशा जन प्रतिनिधि को, जानेंगे वे अपने क्षेत्र की योजना से जुड़ी जानकारी को। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया दिशा डैशबोर्ड को लॉन्च करें रिमोट का बटन दबाकर। Thank you.
दिशा डैशबोर्ड, जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा समिति सांसदों के नेतृत्व में जिला में हो रहे विकास कार्यों का अनुश्रवण करने एवं कन्वर्जेंस स्थापित करने हेतु बनाई गई है। उद्देश्य है कि 20 मंत्रालयों के 41 प्रमुख कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा कर देश भर में हो रहे विकास कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों की भागीदारी एवं गति प्रदान करना। दिशा डैशबोर्ड दिशा समिति के निर्णय लेने के कार्यों में सहायता करने हेतु बनाया गया है। ये देश का एकमात्र ऐसा डैशबोर्ड है जिसमें देश के अलग अलग मंत्रालयों के विभिन्न योजनाओं की जानकारी एक ही जगह दिखती है। अब तक दिशा डैशबोर्ड पर 3 मंत्रालय से 6 योजनाओं की जानकारी, 20 स्क्रीन और 7 सेक्शंस में दिखाई जाती है, जिन पर 92 केपीआई और 151 करोड़ डेटा पॉइंट्स उपलब्ध हैं। चाहे वो मनरेगा हो या उज्ज्वला योजना या स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि, सबकी जानकारी दिशा डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। यही नहीं, दिशा डैशबोर्ड में हर योजना के लिए देश के हर स्तर की जानकारी एक जगह मिलती है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, विधानसभा क्षेत्र या संसदीय कार्य क्षेत्र। इससे सांसद और विधायकों के कार्यों और फैसलों में निपुणता आती है और विकास कार्यों में आ रहे व्यवधानों के उपाय करने में आसानी होती है। दिशा डैशबोर्ड के बहुआयामी प्रस्तुति के माध्यम से किसी भी योजना, किसी भी मंत्रालय, किसी भी क्षेत्र, किसी भी वित्तीय वर्ष का डेटा तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। दिशा डैशबोर्ड, स्मार्ट गवर्नेंस की ओर भारत सरकार की एक नवीन पहल। दिशा डैशबोर्ड, अ स्टेप टुवर्ड्स डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। ग्राम संवाद तो जनता के लिए जानकारी मंच है। विकास कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी अब होगी आपकी मुट्ठी में मोबाइल ऐप के द्वारा। पारदर्शिता और जवाबदेही का इससे अच्छा जवाब भला और क्या होगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया ग्राम संवाद ऐप का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। ग्राम संवाद मोबाइल ऐप 2022 तक एक नए भारत के सपने को साकार करने के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का विकसित होना अनिवार्य है और तीव्र गति से ये विकास हो भी रहा है। विकास से ग्रामीण परिदृश्य में आ रहे बदलाव की सूचना जनमानस तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये पहल ग्राम संवाद मोबाइल ऐप से संभव हो रही है। ग्राम संवाद मोबाइल ऐप, सूचना से सशक्तिकरण। ये ऐप आपको अपने क्षेत्र में होने वाली सारी ग्रामीण विकास योजना के बारे में जानकारी देगा, वो भी आपकी अपनी भाषा में जल्द ही। इसमें आप अपनी ग्राम पंचायत के साथ साथ अपने क्षेत्र के किसी भी ग्राम पंचायत के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बस अपना स्थान चुनें, किसी भी योजना पर क्लिक करें और पाएं उससे संबंधित हर जानकारी। सवालों के जवाब पढ़ें, आंकड़े देखें और सरकारी अधिकारियों से संपर्क करने का माध्यम पाएं। यही नहीं, आप इस स्पीकर पर क्लिक करके सारी जानकारी सुन भी सकते हैं। ग्राम संवाद मोबाइल ऐप, सूचना से सशक्तिकरण। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नानाजी देशमुख ने ग्रामीण परिवेश के छोटे छोटे कार्यों को भी पहचान दिलाई ताकि लोग आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी बने। नानाजी का यही सपना तो पूरा हो रहा है आरसीटी के द्वारा। आरसीटी के 11 भवनों का शुभारंभ करने के लिए हमारा विनम्र आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया 11 भवनों का शुभारंभ करें, राष्ट्र को समर्पित करें रिमोट का बटन दबाकर। और ये देखिए, ये 11 इमारतें हैं जिनका शुभारंभ हो चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और अब हम लाइव कनेक्ट भी होना चाहते हैं उनसे। ये देखिए, लाइव कनेक्ट हो गए हैं हम एनआईसी के द्वारा, बिल्कुल लाइव है ये। हम आपको बता दें कि नानाजी देशमुख के नाम से आरसीटीज हैं चिरोंग असम, राजकोट गुजरात, टोंक राजस्थान, यूपी में मुजफ्फरनगर, हाथरस संत कबीर नगर, और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जो आरसीटीज हैं वो हैं एलुरु आंध्र प्रदेश,
पोरबंदर गुजरात, पानीपत हरियाणा, यूपी में गोरखपुर और सिद्धार्थनगर। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी बधाई आप सभी को। फसल अन्वेषणों और आविष्कारों में हम विश्व में किसी से भी पीछे नहीं हैं। बेहतर पैदावार बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी अत्याधुनिक स्वचालित और क्षति रहित प्लांट फिनोमिक्स फैसिलिटी IARI। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया नानाजी देशमुख प्लांट फिनोमिक्स फैसिलिटी को राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय रिपोर्ट का बटन दबाकर जलवायु परिवर्तन फसलों की उत्पादकता के लिए एक ज्वलंत समस्या है। भारतीय खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जलवायु अनुकूल फसल किस्में विकसित करना आवश्यक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक अत्याधुनिक एवं स्वचालित प्लांट फिनोमिक्स केंद्र की स्थापना की है। फिनोमिक्स एक आधुनिक बहुविषयक विज्ञान है जिसमें लगभग वास्तविक समय में पौधों को बिना क्षति पहुंचाए सेंसर्स एवं कंप्यूटर की सहायता से लक्षण प्रारूपण किया जाता है। यह केंद्र हाईटेक नियंत्रित जलवायु वाले ग्रीन हाउस, गतिशील फील्ड कन्वेयर सिस्टम, स्वचालित भारोत्तोलन, उर्वरक एवं सिंचाई स्टेशन और विभिन्न इमेजिंग सेंसर से सुसज्जित है। ये केंद्र जलवायु अनुकूल फसल किस्में विकसित करने के लिए उपयोगी श्रेष्ठ जीन प्रारूपों एवं जीनों की पहचान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय श्री चंद्रिका दास अमृतराव देशमुख, जो एक महान सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, उनके सम्मान में आज इस केंद्र को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नानाजी देशमुख प्लांट फिनोमिक्स केंद्र के नाम से राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अद्भुत दृढ़ समाज सेवी नानाजी देशमुख के प्रति राष्ट्र की निष्ठा और श्रद्धा जताता एक डाक टिकट डाक विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। नानाजी देशमुख की जन्म शताब्दी को कमेमोरेट करने वाले इस डाक टिकट का विमोचन करने के लिए हमारा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। ये आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं उस डाक टिकट को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाएं और योजनाएं दोनों ही गांव, गरीब, किसान, खेत खलिहान से अटूट जुड़ गई हैं। देश साक्षी है माननीय प्रधानमंत्री जी, एक व्यक्तित्व ही नहीं विकास का पर्याय बन गए हैं भारतवासियों। वे ऐसे सुराज के लिए श्रद्धारत हैं जहाँ हर युवक को रोजगार, हर किसान को उसकी मेहनत का प्रतिफल मिले। गांवों की समृद्धि नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़कर विकास क्रांति का बीज बोती रहे। गांवों को विकास का वात्सल्य देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारा निवेदन है कि कृपया हम सभी को संबोधित करें, शुभकामनाएं दें। मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमान राधामोहन सिंह जी, श्रीमान रामकृपाल जी यादव, श्रीमान पुरुषोत्तम जी रूपाला और दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चेयरमैन श्रीमान वीरेंद्रजीत सिंह जी और देश के कोने कोने से आए हुए
मेरे प्यारे गांववासी, आज लोकनायक जयप्रकाश जी की जन्म जयंती का अवसर है और आज ही के दिन लोकनायक जयप्रकाश के निकटस्थ साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की जन्म जयंती शताब्दी का भी अवसर है। इन दोनों महापुरुषों ने अपने जीवन काल में एक ऐसे संकल्प का परिचय कराया और जिस संकल्प के लिए उन्होंने स्वयं को झोंक दिया और सिद्धि प्राप्त करने तक वे जीवन का पल पल मातृभूमि के लिए, देशवासियों के कल्याण के लिए, अपने संकल्प को साकार करने के लिए वे जीवन भर जुटे रहे। लोकनायक जयप्रकाश जी आजादी के आंदोलन में युवाओं की प्रेरणा रहे थे। 1942 हिंद छोड़ो यह आंदोलन अपनी तीव्रता पर पहुंचा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल समेत सभी राष्ट्रपुरुष अंग्रेज सल्तनत ने जेलों में बंद कर दिया और ऐसे समय जयप्रकाश जी, लोहिया जी ऐसे युवकों ने आगे आकर के उस आंदोलन की बागडोर संभाली थी और उस कालखंड की युवा पीढ़ी के मन में वो प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। आजादी के उस कालखंड में जयप्रकाश जी लोकनायक के रूप में युवा हृदयों के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बन गए थे, लेकिन देश आजाद होने के बाद बहुत बड़े बड़े लोग सत्ता के गलियारों में अपनी जगह ढूंढते नजर आते थे। ये जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने सत्ता की राजनीति से अपने को दूर रखा और आजादी के बाद जयप्रकाश जी और उनकी श्रीमती प्रभा देवी जी ने ग्रामोत्थान के मार्ग को चुना, लोक कल्याण के मार्ग को चुना। नानाजी देशमुख, देश उनको ज्यादा जानता नहीं था, देश के लिए उन्होंने अपना जीवन दे दिया था, लेकिन जब जयप्रकाश जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, आपातकाल के पूर्व फिर एक बार जयप्रकाश जी देश में पनप रहे भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार, उच्च पदों पर पले बड़े भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ दुखी होकर के विद्यार्थी आंदोलन के साथ जुड़ गए थे। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन से प्रेरणा लेकर के जयप्रकाश जी फिर एक बार मैदान में आ गए।
और जयप्रकाश जी के आने के बाद दिल्ली की सल्तनत में खलबली मची गई। जयप्रकाश जी को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके लिए षड्यंत्र होते थे। और पटना में एक बार ऐसी स्थिति आई कि जयप्रकाश जी के ऊपर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जब मार्च निकल रही थी, जयप्रकाश जी पर बहुत बड़ा हमला हुआ और उस समय उनके बगल में नानाजी देशमुख खड़े थे। नानाजी ने अपने हाथों पर वो मृत्युगंध के रूप में आए हुए प्रहार को झेल लिया, उनके हाथ की हड्डियां टूट गई, लेकिन जयप्रकाश जी को चोट से उन्होंने बचा लिया। और वो एक ऐसी घटना थी कि देश का ध्यान नानाजी देशमुख की तरफ गया। नानाजी देशमुख जीवन भर देश के लिए जिए, उन्होंने ऐसे कपल तैयार किए, दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करके रहो, इस मंत्र के साथ युवा दंपतियों को उन्होंने निमंत्रित किया। सैकड़ों की तादाद में ऐसे युवा दंपति आए आगे और उनको उन्होंने ग्राम विकास के काम में लगाया। जब मुरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, देश में जनता पार्टी का शासन था, नानाजी देशमुख को मंत्री परिषद के लिए आमंत्रित किया गया। जयप्रकाश जी के कदमों पर ही नानाजी ने भी मंत्री परिषद में जुड़ने से विनम्रतापूर्वक इनकार किया और स्वयं को राजनीतिक जीवन से निवृत्त करके 60 साल की उम्र के बाद वे जब तक जीवित रहे, करीब 3.5 दशक तक उन्होंने अपना जीवन चित्रकूट को केंद्र बिंदु बना करके, गोंडा को केंद्र बिंदु बना करके ग्रामीण विकास के लिए खपा दिया। आज मुझे खुशी है कि नानाजी की जन्म शती के इस अवसर पर भारत सरकार इन महापुरुषों के सपनों के आधार पर और महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते पर ग्रामीण विकास की दिशा में हम कैसे आगे बढ़े, हमारे गांव आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारे गांव गरीबी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव बीमारी से मुक्त कैसे बने, हमारे गांव जिसमें आज भी जातिवाद का जहर गांव को बिखेर देता है, गांव के सपनों को चूर चूर कर देता है, उस जातिवादी भावनाओं से ऊपर उठकर के गांव एक समरस गांव बने, सबको जोड़ने वाला गांव बने और सब मिलकर के गांव के कल्याण के लिए संकल्प करें, उस प्रकार के गांव के विकास को जन भागीदारी से आगे बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार अनेकविध कदम उठा रही है। आज मुझे यहां पर देश के ग्रामीण जीवन के लिए सोचने वाले, ग्रामीण जीवन के लिए योगदान देने वाले, ग्रामीण अर्थकारण का, ग्रामीण कृषि जीवन का, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर जिनकी महारत है, ऐसे देश के 300 से ज्यादा लोग कल पूरा दिन बैठे, अलग अलग जूथों में बैठे, आधुनिक संदर्भ में गांवों का विकास कैसे हो उसका विचार विमर्श किया और पूरा दिन भर इन अनुभवी लोगों ने जो मंथन किया है,
उससे जो अमृत निकला है, आज अभी एक वीडियो के माध्यम से उसे कुछ प्रस्तुत करने का भी प्रयास हुआ। लेकिन मैं इन सब महानुभावों को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो विचार विमर्श किया है, मंथन किया है और जो बिंदु छांट करके आपने निकाले हैं, भारत सरकार उसको गौर करेगी, गंभीरता से लेगी और उसमें से जितने करणीय मुद्दे हैं, एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, उसको भारत सरकार की योजनाओं में समाहित करते हुए कई वर्षों के बाद इतने बड़े फोरम में भारत के ग्रामीण जीवन के विषय में चिंतन और चर्चा हुई है। देश के हर कोने से लोग आए हैं, अलग अलग इलाके की प्रकृति अलग है, वहां की समस्याएं अलग है, वहां के संसाधन अलग है, वहां की आवश्यकताएं अलग है, रुचि प्रकृति प्रवृत्ति के अनुसार गांव का विकास जड़ों से जुड़ा हुआ होगा तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए गारंटी होता है। बाहर से थोपी हुई चीजें ग्रामीण जीवन के अंदर ज्यादा समय तो एक फॉरेन एलिमेंट के रूप में संघर्ष में बीत जाती है और कभी कभी ग्रामीण जीवन बाहर से थोपी हुई चीजों को स्वीकार करने के लिए साहस नहीं जुटा पाता है। और इसलिए हमारा प्रयास यह है कि गांव की अपनी जो शक्ति है, गांव का अपना जो सामर्थ्य है, सबसे पहले उसी को जोड़ते हुए विकास का मॉडल बनाएंगे जो गांव के लोगों को अनुकूल होता है, परिचित होता है, उसमें थोड़े मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से, आर्थिक दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है और अगर उसको हम बल दे करके चलते हैं तो गांव आसानी से उसे जुड़ जाता है, गांव उस विकास यात्रा को अपने कंधे पर उठा लेता है और सस्टेनेबल विकास की वो एक गारंटी बन जाता है। आपने जो चिंतन मनन किया है उस धरती के अनुभव के आधार पर किया है और उस अनुभव के आधार पर की हुई चीजें, मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास को जिस तेजी से हम लेना चाहते हैं, एक बात हमें समझनी होगी, हम विकास करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती, हम अच्छा करना चाहें इतने से बात पूरी नहीं होती। अगर हम चीजों को समय सीमा में करें, हम हमारी योजनाओं को जो लाभार्थी हैं, टारगेटेड ग्रुप है, उनके लिए 100% लागू करें, योजना जिस मिजाज से शुरू की गई, जिस पृष्ठभूमि में शुरू की गई, उसमें डाइल्यूजन ना आए, डाइवर्जन ना आए और उसको लागू करने का समय सीमा में प्रयास करें और वो भी आउटपुट आधारित नहीं, आउटकम आधारित हो। सिर्फ हमने इतना बजट खर्च दिया वो नहीं, इस बजट का ये हमारा लक्ष्य था, ये हमने परिपूर्ण किया। अगर इस प्रकार से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास करेंगे और समय सीमा में करेंगे तो मुझे विश्वास है कि 70 साल में ग्रामीण विकास की जो गति रही है, 2022 आजादी के 75 साल मनाएंगे तब हमारी विकास की गति इतनी तेज होगी कि जो 70 साल से सपने संजो करके बैठा हुआ मेरा ग्रामीण व्यक्ति है, उसकी जिंदगी को भी बदलाव ला सकता है। आज गांव का नागरिक भी शहर की बराबरी की जिंदगी जीना चाहता है। जो सुविधा शहर को उपलब्ध है वो सुविधा गांव को भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर शहर में बिजली जगमगाती है तो गांव में भी बिजली जगमगानी चाहिए।
अगर शहर के लोग मन चाहे तब टीवी देख सकते हैं, गांव के लोग भी देख सकें। अगर शहर का बच्चा स्कूल की लेबोरेटरी में जाकर के प्रयोग कर सकता है तो गांव का बच्चा भी स्कूल की लेबोरेटरी में प्रयोग करने के लिए उसको अवसर होना चाहिए। अगर शहर का बच्चा आधुनिक कंप्यूटर के द्वारा टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो यह भी आवश्यक है कि गांव के बच्चे को भी उसी टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रशिक्षित होने का अवसर मिलना चाहिए, उसको भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। अगर इंटरनेट, आज कभी कभी गांव में टीचर रहने को तैयार नहीं, डॉक्टर रात को चला जाना चाहता है, लेकिन जो सुविधाएं शहर में है वैसी अगर हम सुविधाएं, अगर नल से पानी आता है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, 2400 घंटे बिजली है, चूल्हा जलाने के लिए गैस उपलब्ध है, अगर इन प्राथमिक सुविधाओं को भी अगर हम पहुंचाने में सफल होते हैं तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो बदलाव आएगा वो गांव में भी लोगों को रहने के लिए प्रेरित करेगा। अगर टीचर गांव में रहता है, डॉक्टर गांव में रहता है, सरकारी बाबू गांव में रहता है तो गांव के जीवन में उसकी हाजिरी भी बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। और इसलिए महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो चिंतन किया था, नानाजी और जयप्रकाश जी लोगों ने जिन विचारों को लेकर के जिया था, इन्हीं आदर्श धारा को लेते हुए हम लोगों का भी ये प्रयास है कि हम ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े। हमारे देश में संसाधनों के कारण आखिरी छोर के इंसान को हम कुछ नहीं दे पाते हैं। आज भारत सरकार में आने के बाद मैं इस बात से अब सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर के व्यक्ति को भी अगर उसके हक का जो है उसको पहुंचाना है तो देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है। जो कमी महसूस होती है वो गुड गवर्नेंस की है, सुशासन की है। जिन जिन राज्यों में गुड गवर्नेंस है, सरकारी मशीनरी निर्धारित समय में टारगेटेड काम को पूरा करने की आदि है, तो वहां पर बदलाव नजर आता है। आप देखिए मनरेगा, अब मनरेगा की एक विशेषता है वो बना है गांव के गरीब लोगों को रोजगारी देने के लिए, लेकिन अनुभव ये आता है कि जिस राज्यों में ज्यादा से ज्यादा गरीबी है वहां पर मनरेगा का काम कम हो रहा है, लेकिन जिन राज्यों में कम गरीबी है लेकिन गुड गवर्नेंस है वहां राज्य प्रोएक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा योजना बना देते हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ देते हैं और ज्यादा काम कर लेते हैं। और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए गुड गवर्नेंस पर बल, ये हमारे सरकार का निरंतर प्रयास है। आज जो दिशा नाम का जो डिजिटल डैशबोर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया गया वो एक प्रकार से गुड गवर्नेंस की दिशा का एक अहम कदम है, जिसके कारण सेंट्रली हर चीज को मॉनिटर किया जा सके, समय सीमा में रिव्यू किया जाए, अगर उसमें कमियां हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए मेजर लिए जाए, अगर पॉलिसी प्रॉब्लम है तो पॉलिसी करेक्ट किया जाए, अगर पर्सन प्रॉब्लम है तो पर्सन को करेक्ट किया जाए। लेकिन दिशा इस प्रकार का डैशबोर्ड के कारण
एक तो इसके मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था अब हिंदुस्तान के सभी गांवों के साथ जुड़ेगी, दूसरा भारत सरकार का जो विजन है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर है और डिस्ट्रिक्ट की इकाई है, ये सभी अगर विकास को एक सूत्र में करेंगे, प्रायोरिटी समान होगी, तो हमें इच्छित परिणाम जरूर मिलेगा। और इसलिए इस दिशा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से जोड़ने का एक अहम काम भारत सरकार ने किया है इस दिशा के द्वारा। पार्लियामेंट का मेंबर जिला इकाई के साथ बैठ करके इन सारी योजनाओं का रिव्यू करता है, प्रायोरिटी वहां की आवश्यकता के अनुसार तय करता है, चीजें यहां से थोपी नहीं जाती है, और इसी के कारण कार्य में गति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। लोकतंत्र की सफलता सिर्फ कितने लोग मतपेटी में मत डालने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, दुर्भाग्य से कई वर्षों तक हमने लोकतंत्र को यहां सीमित कर दिया कि 5 साल में एक बार जाना, डिब्बे में पर्चा डाल देना या बटन दबा देना, और फिर सरकार जो भी चुन करके आए, जो भी बॉडी चुन करके आए, पंचायत जो चुन करके आए, वो हमारा 5 साल में भाग्य तय करेगी। मैं समझता हूं लोकतंत्र को इतना सीमित नहीं सोचा जा सकता। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण काम जरूर है कि जो अपनी पसंद की सरकार चुने, लेकिन लोकतंत्र की सफलता तब होती है जब जन भागीदारी से देश चले, जन भागीदारी से गांव की विकास यात्रा चले, जन भागीदारी से नगर की विकास यात्रा चले, और इसलिए जनता के साथ सरकार का संवाद अनिवार्य होता है, जीवंत संवाद होना चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट गाइडलाइंस जानी चाहिए और नीचे से ऊपर की तरफ करेक्ट इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। अगर ये टू वे चैनल परफेक्ट होती है तो योजनाएं, नीतियां और बजट एलोकेशन सही टारगेटेड जगह पे सारी चीजें हो सकती है। और इसीलिए आज एक मोबाइल ऐप के द्वारा, ग्रामीण संवाद के द्वारा, गांव का व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के माध्यम से सही जानकारी ऊपर तक पहुंचा सकता है और ऊपर से सही मार्गदर्शन लास्ट मैन तक सीधा पहुंच सकता है, और उसके कारण वहां स्थानीय इकाई जो सरकारी रहती है उन पर भी दबाव पैदा होता है, क्योंकि गांव का व्यक्ति कहता है कि बाबू आप कहते हैं ये योजना, लेकिन मेरा मोबाइल फोन तो कहता है कि ये योजना है, आप बताइए हमारे यहां क्यों लागू नहीं हुई। ये जनता को जागरूक करने का एक बहुत बड़ा काम इस मोबाइल ऐप के द्वारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, जनता के साथ संवाद बढ़ाते हुए, उसकी आवश्यकताओं को समझते हुए काम को दिशा देना, गति देना, उसकी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। आज आर सेती का भी देश भर में कई जगह पर उद्घाटन हुआ है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर कल्चर विभाग का यहीं पर एक फेनोमिक्स का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लांट का आज उद्घाटन हुआ है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र और पशुपालन ये ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु में है, लेकिन साथ साथ हमारे ग्रामीण जीवन में जो आर्टिजन्स हैं उनका भी ग्रामीण अर्थकारण में बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए चाहे पशुपालन हो, चाहे खेती हो, चाहे हथकरघे का काम हो, हस्तकला से जुड़े हमारे लोग हो, उनको जोड़ करके हमने हमारी अर्थव्यवस्था के पिलर्स को मजबूत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। 2022 भारत की आजादी के 75 साल, देश के किसानों की आय डबल करने की दिशा में एक संकल्प लेकर के हम काम कर रहे हैं। एक तरफ
किसान की जो इनपुट कॉस्ट है उसकी जो लागत है उसको कम करना है, और दूसरी तरफ उसका उत्पादन जो है उसको बढ़ाना है। अगर ये इन दोनों की चीजों को हम चलेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी होगी, हमें आधुनिकता की तरफ जाना होगा। पशुपालन, पशु की संख्या भले कम हो लेकिन दूध का उत्पादन ज्यादा हो, प्रति पशु दूध का उत्पादन बढ़े, उस दिशा में हम जितना तेजी से आगे बढ़ेंगे वो ग्रामीण अर्थजीवन को आगे बढ़ाएगा। हम आज दुनिया में केमिकल वेस्ट की जमा बदले में शहद वाला वेस्ट जो है, मोम है, उसकी दुनिया में बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। लोग केमिकल वेस्ट से मुक्ति पाकर के हनी बी का जो वेस्ट होता है उसकी ओर जा रहे हैं। अगर हम गांवों में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दें, साइंटिफिक तरीके से हनी बी पालन करना हमारे किसान के या पशुपालक के साथ जुड़ जाए, अतिरिक्त इनकम की संभावनाएं बढ़ेगी। और आज जो बहुत बड़ा मार्केट बी वेस्ट का है, हनी बी के वेस्ट का है, केमिकल वेस्ट से लोग मुक्ति चाहते हैं, भारत इसमें बहुत बड़ा मार्केट को दुनिया में कैप्चर करने की ताकत रखता है और उस दिशा में हम आगे जाना चाहते हैं। हमारे यहां मत्स्य उद्योग हो, हमारे यहां पोल्ट्री फार्म्स हो, हमारे यहां पशुपालन हो, हमारे यहां एग्रीकल्चर हो, उसमें भी टिम्बर की खेती, पशुपालन के साथ साथ खेती के साथ साथ अगर खेत के किनारे पर टिम्बर की खेती करें तो देश आज जो टिम्बर इंपोर्ट करता है उससे बच जाएगा और देश का किसान टिम्बर से इतनी सारी कमाई कर पाएगा कि उसको कभी परिवार में संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। 5-10 साल मेहनत करने की जरूरत है, अपने आप परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम कुछ काम निर्धारित समय सीमा में करने के इरादे से करते हैं। मुझे खुशी है कि ग्रामीण जीवन के साथ एक गंदगी ग्रामीण जीवन का हिस्सा बन गई। लोग सहते रहे, उन्होंने यही मान लिया, हमारे नसीब में यही लिखा हुआ है। और धीरे धीरे जैसे जागरूकता आ गई, लोगों में बदलाव की शुरुआत हुई। ओपन डेफिकेशन फ्री गांव की माताओं बहनों के सम्मान का एक अभियान चला, टॉयलेट बनाने का अभियान चला, समय सीमा में टॉयलेट बनाने का, शौचालय बनाने का काम चला। और आज धीरे धीरे स्थिति आई है, कल तक जिसे हम शौचालय कहते थे आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने उसका नाम इज्जत घर कर दिया है। शौचालय पर लिखा है इज्जत घर। सचमुच में माताओं बहनों की इज्जत के लिए इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता जो कि हम टॉयलेट बना करके देते हैं। हमारी माताओं बहनों को शौच के लिए खुले में जाना पड़े, सूरज ढलने तक का इंतजार करना पड़े और सुबह सूरज उगने से पहले जाकर के आना पड़े, और दिन में कभी जाने की नौबत आई उस माँ बहन को कितनी पीड़ा होती होगी, ये जब तक उस संवेदना को हम अनुभव नहीं करेंगे तब तक ओपन डेफिकेशन फ्री का आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। और इसलिए जब भी शौचालय बनाने की बात आए उन माँ बहनों की इज्जत की तरफ देखें, उन माँ बहनों की परेशानियों की तरफ देखिए, आपको भी लगेगा बाकी काम छोड़ करके पहले भारत सरकार की योजना से मैं शौचालय बनाऊं और शौचालय का उपयोग करने की आदत डालूं। 2.5 लाख से अधिक गांव ओपन डेफिकेशन फ्री होने के लिए आगे आए, उन्होंने करके दिखाया। मैं इन गांवों को हृदय से बधाई देता हूं, उन्होंने मां बहनों की इज्जत के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और मां बहनों की इज्जत करने वाला गांव मेरे लिए पुण्य गांव होता है, मैं उसको नमन करता हूं, उन गांव वासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम को किया है। स्वच्छता आज गांव का स्वभाव बन रहा है,
गांव भी जिम्मेवारी को लेने लगा है और उसमें भी एक बहुत बड़े बदलाव की दिशा में। हमारे कई गांव आजादी के 70 साल के बाद भी 18,000 गांव ऐसे जो आज भी 18वीं शताब्दी में जीते हैं। न बिजली का खंभा है, न बिजली का लट्टू है, न गांव में कभी बिजली देखी है। हमने बीड़ा उठाया, लाल किले से कहा 1000 दिन में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाएंगे और मुझे खुशी है कि राज्य सरकारों ने भी उसमें हाथ बटाया, भारत सरकार ने भी उसमें तेजी लाई और आज बहुत तेजी से 18,000 गांवों के उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। करीब करीब 15,000 गांवों में बिजली पहुंच गई। अब गांवों में बिजली पहुंच गई तो हम वहां अटकने वाले नहीं हैं। अब हमारा सपना है गांव हो या शहर, घर हो या झोपड़ी, हर एक के घर में बिजली का लट्टू होना चाहिए, 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। बड़ा बयान उठाया है और इसलिए गरीब परिवारों को घर में कनेक्शन देने के लिए पहले पैसे देने पड़ते थे। हमने तय किया है मुफ्त में कनेक्शन देंगे, बिजली पहुंचाएंगे और मुझे विश्वास है एक बार बिजली आई तो घर के जीवन में भी बदलाव आएगा, बच्चों को शिक्षा के लिए सुविधा बढ़ेगी, घर का जीवन बदलेगा। 24 घंटे बिजली देने का निर्धारित लक्ष्य के साथ काम करने की दिशा में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के ग्रामीण जीवन को बदलने के लिए हमारे जो ग्रामीण लोग उत्पादन करते हैं उसको शहर में एक फैशन स्टेटमेंट के रूप में हमें पल्लवित पुष्पित करने की जरूरत है। सामान्य व्यक्ति ने अपने हाथ से बनाई हुई चीजें अगर बड़े बड़े घरों में भी थोड़ा सा भी उसका उपयोग शुरू हो जाए, ग्रामीण इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिल जाएगी। अगर ये दिवाली के दिए गांव के मेरे कुम्हार के बनाए हुए अगर हम खरीदेंगे तो उस मेरे कुम्हार के घर में दिवाली का दिया अपने आप जलने लग जाएगा और ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं। हम शहर में रहने वाले लोग हमारी पूरे जीवन की आवश्यकताओं को ग्रामीण अर्थकारण के दृष्टिकोण से आगे बढ़ाएंगे तो नयापन भी महसूस होगा, एक जीवन में संतोष का भाव भी आएगा और इसलिए शहर गांव के लिए एक मार्केट प्लेस बनना चाहिए। सिर्फ गांव से आने वाला अनाज शहर के लिए मार्केट प्लेस बने ऐसा नहीं, लेकिन शहर में उत्पादित हो गांव में उत्पादित होने वाली हर चीज शहर के लिए मार्केट प्लेस के रूप में डेवलप होती है तो कभी भी मेरे देश में गांव गरीब नहीं रह सकता है, गांव में कोई परिवार गरीब नहीं रह सकता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का सपना देखा था उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं। आज नानाजी देशमुख की जन्म शताब्दी निमित्त भारत सरकार की तरफ से एक पोस्टल स्टैम्प का भी लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है जब भी ये डाक इस पोस्टल स्टैम्प के साथ लोगों के यहां पहुंचेगी नानाजी के प्रति एक स्वाभाविक उत्सुकता जगेगी। कैसे कैसे महापुरुष सिर्फ देश के लिए जीना यही जिनका मकसद रहा, गांव के जीवन में बदलाव लाना इसी के लिए खुद जाकर के प्रयोग करना। और देश के सभी राष्ट्रपति नाना जी ने जब से गांव का शुरू किया उसके बाद जो भी राष्ट्रपति आए वो हमेशा नाना जी के इस काम से जुड़े रहे, नाना जी के काम को सराहते रहे, नाना जी के प्रोजेक्ट देखने के लिए खुद जाया करते थे और ये काम नाना जी के कौशल्य की विशेषता थी। आज नाना जी की जन्मशती के निमित्त हिंदुस्तान भर के ग्रामीण जीवन के लोग आए हैं, भारत सरकार के सभी संबंधित विभाग जुड़े हैं और ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने का एक संकल्प लेकर के हम चले हैं। मुझे विश्वास है कि 2022 आजादी के 75 साल हर गांव हर गांव वो भी एक संकल्प करे, हर गांववासी वो भी एक संकल्प करे कि 2022 तक मैं मेरे गांव को ये दूंगा और मेरा गांव हम मिलकर के हम देश को ये देंगे। अगर इस संकल्प लेकर के चलेंगे मुझे विश्वास है
हम ग्रामोदय के जिस सपनों को लेकर के चले हैं उसको पूरा करने में सफल होंगे। मैं फिर एक बार आपसे आग्रह करूंगा, यहां जो प्रदर्शनी लगी है, मैं अभी देखने गया था, जो आए हैं उनको भी कहने के लिए उनके पास बहुत सारी बातें हैं। सफलता के साथ किए हुए अनुभवों का वहां निचोड़ है। मैं भी मन करता था, बार बार ठहर जाता था, देखने की समझने की कोशिश करता था। मन को आनंद होता था कि गांव गांव कैसे कैसे प्रयोग हो रहे हैं, हर राज्यों में कैसे कैसे नए नए प्रकार के इनिशिएटिव लिए गए हैं, गांव में भी टेक्नोलॉजी ने कैसी अपनी जगह बनाई है। ये सारी चीजें मैं देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आपसे आग्रह है, आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, कितनी ही जल्दी जाने की क्यों ना हो, इस प्रदर्शन की हर चीज को बारीकाई से देखिए। आपके गांव में उसमें से क्या लागू हो सकता है उसका जरा कागज पे लिख के रखिए, किसका संपर्क करना वो भी नोट कर लीजिए, और उसमें से कौन सी चीजें आपके गांव के लिए अनुकूल है उसको आप अपने गांव में जाकर के कैसे लागू कर सकते हैं। आखिरकार जब कोई चीज को देखते हैं तो उसकी ताकत का परिचय ज्यादा होता है, और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी से दो चार घंटे भी इस प्रदर्शनी में जरूर लगाइए, हर चीज को देखिए और अच्छी चीजों को अपने गांव में लेकर के जाइए। मैं फिर एक बार नाना जी को प्रणाम करता हूं, बाबू जयप्रकाश जी को नमन करता हूं, और सभी गांव से आए हुए मेरे जागरूक नागरिक भाइयों बहनों को प्रणाम करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपके संबोधन और प्रेरणा के लिए। अब हमारा निवेदन है ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम कृपाल यादव से कि कृपया आभार प्रकट करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के 125 करोड़ लोगों के आशा के किरण जननायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री कृषि आदरणीय श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, आदरणीय श्री बिरंजीत सिंह जी, देश के विभिन्न भागों से आए हुए ग्रामीण विकास में काम करने वाले, रुचि रखने वाले और गांव के विभिन्न पंचायतों से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, सम्मानित अधिकारीगण, आज महान समाजसेवी आधुनिक भारत में गांव को समग्र विकास की परिकल्पना करने वाले नानाजी देशमुख का जन्मदिन है, जिसको हम जन्म शताब्दी समारोह के रूप में समर्पित करने का काम किया है। साथ ही लोकनायक जयप्रकाश जी, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करने का काम किया है, उनकी भी आज जयंती है। इन दोनों महापुरुषों की जयंती के अवसर पर हम अपने तरफ से, अपने विभाग के तरफ से श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, और ख़ास तौर पर इस कार्यक्रम में आकर के हम सब लोगों का हौसला, उमंग भरने का माननीय प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन देने का काम किया है। हम अपने विभाग के तरफ से, अपने तरफ से, अपने मंत्री जी के तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आपका आभार भी व्यक्त करते हैं कि हम सब लोगों का
देशवासियों का आपने मार्गदर्शन करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज के इस अवसर पर आपको विश्वास देना चाहता हूं, आपकी न्यू इंडिया की परिकल्पना जो आपने देखा है 2022 तक, हम आश्वस्त करना चाहते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के तरफ से कि निश्चित तौर पर आपके सपनों का न्यू इंडिया ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से जो विभिन्न योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है, देने का काम करेगा। और इतना मैं कह सकता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है कि 2022 तक हिंदुस्तान का कोई गरीब जिसका अपना पक्का मकान न हो, वो देने का ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके मार्गदर्शन में करने का काम कर रहा है। यही नहीं, आपने ये भी हम सब लोगों की ड्यूटी देने का काम किया है, जिस ड्यूटी को पूरा मंत्रालय जोर शोर से कर रहा है पूरा 2019 तक। अब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर पात्र बसावट प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने का काम किया जाए। मैं आपको ये भी आज के दिन आश्वस्त करना चाहता हूं कि वो भी जुड़कर रहने का काम करेगा। आपकी पीड़ा है, वेदना है, आप पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करना चाहते हैं, लोकनायक जयप्रकाश जी, नानाजी देशमुख का सपनों का साकार करना चाहते हैं। आपकी बेचैनी और पीड़ा रहती है कि गांव की गरीबी कैसे दूर हो, गांव की उन्नति कैसे हो, गांव में बेरोजगारी कैसे दूर हो, गांव के रहने वाले लोग का जीवन कैसे ऊंचा हो। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके मार्गदर्शन में निश्चित तौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय उन सपनों को पूरा करने का काम कर रहा है और निश्चित तौर पर बहुत तेजी से अपने मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जमीन तक गरीबों को जोड़ करके उनकी बेरोजगारी, उनकी गरीबी, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा है और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम कर रहा है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश में समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाला जो आदमी है, समाज का अंतिम पंक्ति में बैठने वाला आदमी भी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, वो अपनी छवि आप में देखने का काम करता है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो अंत्योदय का मिशन शब्दावली किताबों में हुआ करता था, आप जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं जिसमें हमारा मंत्रालय बहुत ही सहयोग करने का काम कर रहा है। आज पहली बार देश का प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के नारों को जमीन पर उतारने का काम सिर्फ नहीं किया है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना बनाने का काम किया है, यानी सोशल जस्टिस विथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के आधार पर काम करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं पुनः आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आभार व्यक्त करते हुए कि निश्चित तौर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके मार्गदर्शन में और जिस तरह का सहयोग माननीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण विकास मंत्रालय को विकास की योजनाओं में पूरा करने के लिए जितनी धनराशि दी जा रही है, निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2022 में निश्चित तौर पे एक नया भारत के निर्माण का जो सपना देखा है, हम सब लोग मिलकर उसको पूरा करने का काम करेंगे। अंत में आए हुए तमाम मंत्रीगण का, आदरणीय जो हमारे सम्मानित गांव के विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए लगभग 28 राज्यों से यहां प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, जो गांव के इलाका में काम करने वाले ग्रामीण परिवेश में जीने वाले लोग हैं, उनके प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं, अपने अधिकारियों के प्रति, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और सभी लोगों को एक बार प्रणाम करते हुए नानाजी देशमुख जी और जयप्रकाश जी के चरणों में पुनः एक बार श्रद्धा के समर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, हृदय से धन्यवाद माननीय। दीपावली की ये सौगात गांव वालों को देने के लिए, इस देश को देने के लिए,
भारत माता के गांवों को विकास की वर्षा से सींचने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। महान विभूति नानाजी देशमुख तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों के समन्वय से जनहित और सर्वोदय को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि-कोटि ग्रामीण आजीविका, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जल संरक्षण, कृषि नवीनीकरण एवं टेक्नोलॉजी, गांव की शिक्षा, गांव की स्वच्छता, संपूर्ण रूप से गांव उत्थान का संकल्प भारत ने लिया है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस संकल्प की सिद्धि के लिए कार्य करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।